When I was 9 years old, I lost my parents. हमारे पास में पेरेंट्स ही होते हैं जो किसी भी चीज के लिए होते हैं, और मेरे पास में वही नहीं थे. आई हैव नो वन टू सपोर्ट मी. कई बार पैसे बचाने के लिए मैं काफी किलोमीटर पैदल भी चलता था, 5 से 6 किलोमीटर, कभी 7-8 किलोमीटर भी पैदल चलता था, और मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. मेरे पास में रूम नहीं था, मेरे पास में फूड नहीं था. नोन के थ्रू मुझे एक रूम मिला बेसमेंट में. मैं जमीन पर ईंटें बिछा करके सोता था. पूरे पूरे दिन मैं चाय और बिस्किट खाता था. मेरे पास में फैन नहीं है, मुझे गर्मी में सोना पड़ता. मैंने उस टाइम पे अपना फोन बेच दिया था. मैं ट्यूशंस देता था पार्ट टाइम. मैं उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था मेरे साथ. लाइफ का जो वर्स्ट फेज था वो मेरे सामने आना स्टार्ट हुआ. Anyhow, I just want to change myself, change my situation. That time, I also got a call from Anup sir. He is from the Newton School actually. उन्होंने मुझे Newton School के बारे में बताया. एक बार Newton School में बात करता हूँ. And I talk to Achal ma'am. She manages somehow कि मेरे लिए एक laptop manage किया. I just want to be that thing कि मुझे बस अपनी situation को change करना है. और वो मुझे करना था. आज मैं अच्छा फील करता हूँ कि एटलीस्ट मैंने खुद से मैनेज किया. आई एम कैपेबल ऑफ दैट. किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी ने सपोर्ट किया भी नहीं, पर लिया भी नहीं. फाइनली आई एम एबल टू क्रैक एन इंटरव्यू एंड मेरा 100% हाइक मिला है. बस हाँ, ये एक चीज पता था कि इमोशनली ब्रेक नहीं होना है मेरे को. द थिंग इज उस पर्टिकुलर ड्रीम को डेली जीना है.